हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो चैप्टर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% दोस्तों एक टॉपिक लाया हूँ जो है आपका फॉर्मूला मेथड से किस हिसाब से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दो क्वेश्चन लिखा दोस्तों, नवंबर 2020 में पूछा गया है एंड मार्च 2022 में, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। आपके 21 में भी है दोस्तों और काफ़ी बार ये प्रीलियम में भी पूछा गया और आपके क्लासेस में भी अगर साइड टेस्ट होता रहेगा तो उसमें भी पूछा गया दोस्तों। और ये दो क्वेश्चन आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। अगर पूरा वीडियो आप देखोगे तो आज के बाद आपको फॉर्मूला मेथड से थोड़ा भी डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये तीन एक है हमारे पास, ये तीन को फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूला अगर याद रहेगा, फॉर्मूला मेथड आप एकदम सिंपल कर सकते हो। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, हम लोग को इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, दूसरा इसको निकालना पड़ता है, तीसरा इसको निकालना पड़ता है। क्या है आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन है मैं एकदम सिंपल बताऊंगा दोस्तों, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5x² + 13x + 8 = 0, यही लिखा है दोस्तों, एकदम सिंपल। अब हमको क्या करना है, नॉर्मल सा इसको सबसे पहले कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इसको करेंगे किसके साथ, वे भी बता रहे हो दोस्तों। बस आपको क्या करना, वीडियो लास्ट तक देखोगे आपको हर एक चीज समझ में आएगा। किसके साथ करना है, विथ ax² + bx + c = 0, इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको कुछ वैल्यू फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा, देयर फोर a की जगह कितना है 5, b का वैल्यू कितना 13 एंड c का वैल्यू दोस्तों 8 फाइंड होगा। तीनों चीज़ आपको क्या होगा, फाइंड होगा a b c। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा एक चीज़ क्या निकालेंगे, वाला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब b² - 4ac फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, b² - 4ac। जब b² - 4ac निकालोगे तो b का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर - 4 × a का वैल्यू 5 दिया दोस्तों एंड c का वैल्यू 8 दिया। इसको सॉल्व करो, 13 का 169 - 4 × 5 = 20, 20 का 8 बार टेबल पढ़ोगे दोस्तों 160। अब इसके बाद माइनस करोगे 9 आएगा, ये आपको क्या आ गया b² - 4ac दोस्तों। ये आपका इतना निकल गया, सेकेंड वाला भी जो था वे दोस्तों मैं करा दिया, बट यहीं पर कंप्लीट होता है क्या, नहीं। अभी हमारा जो मेन फॉर्मूला है दोस्तों ये फाइनल वाला वे बचा। तो आपको क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x हुआ दोस्तों, उसको x को लिखना है इक्वल टू क्या फॉर्मूला, -b + √b² - 4ac / 2a, यही है हमारा। अब इसके बाद मैं आपको इधर क्लियर दोस्तों बता रहा हूँ, बस आपको क्या करना, ध्यान से देखते रहोगे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो इसमें अगर आप वैल्यू रखोगे दोस्तों तो क्या होगा, देखो ध्यान से, -b - फॉर्मूले में b का वैल्यू कितना है 13 - 13 + √ में b² - 4ac 9, तो 9 / क्या आ जाएगा 2। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 5। ये आप क्या किया, पहले स्टेप में आप वैल्यू को जो भी रहेगा और रख दोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, तो 13 का ध्यान से देखना दोस्तों, आपको फटाफट समझ में आएगा। -13 को ऐसे ही रहने दो और ये क्या है, प्लस माइनस, ए 9 कोई नंबर का स्क्वायर है क्या, हाँ 3 का है अपॉन 2 × 5 = 10। अब इतना हो गया, और क्या कर सकते दोस्तों, तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग सेपरेट कैसे लिखेंगे, x = -13 + 3/10 और दूसरी बार x = -13 - 3/10। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर दो, अब ये माइनस प्लस माइनस, तो -10/10 और दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, x यहाँ पर भी x लिख दो आप आराम से, ये क्या हो जाएगा -(-)+-16/10 दोस्तों। आप क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1x का वैल्यू आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको काटोगे 2 × 8 = 16 × 5 = 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x = -8/5। ये दोस्तों एक जो क्वेश्चन था आपका मैं कंप्लीट करा दिया, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताओगे। एंड दोस्तों इसके बाद आपको जो सेकेंड वाला है वे भी करा रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया। सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लिए ना, जो फॉर्मूला मेथड से 3 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है, बहुत पूरा हर एक चीज आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसका सेकंड वाला क्या दिया दोस्तों, आपको बताओ, x² + 10x + 2 = 0, यही हम लोग को दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयरिंग करेंगे किसको, ए इस क्वेश्चन को किसके साथ करेंगे, वे भी बता रहे दोस्तों। आप देखे रहोगे तो आपको समझ में आ रहेगा, विद किसके साथ करेंगे, ax² + bx + c =
जीरो के साथ कंपेयर करोगे तो देयरफॉर आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा कितना 1, बी का वैल्यू कितना मिल गया 10 एंड सी का वैल्यू दोस्तों 2 मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ फाइंड करेंगे सेकेंड वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब निकालोगे दोस्तों तो क्या, v का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 2 कर दो, 10 का 100 दोस्तों माइनस 4 वन जा 4, 4 टू जा 8। अब क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा 92, बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों आपका आ गया। फॉर्मूला मेथड बहुत टफ रहता है स्टूडेंट के लिए, बट मैं बहुत सिंपल समझा दिया। अब इसके बाद फाइनल वाला हम लोग का दोस्तों क्या है, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है x, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों वैल्यू देख दो, सिंपल सा आपका सॉल्व हो जाएगा। v का वैल्यू कितना दिया है, v का वैल्यू 10, तो माइनस 10 प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा इसके अपॉन 2। a का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 1, इतना हो गया। अब इसके बाद सिंपल एक और बच्चा इतना आप भी देख लेना, आप दोबारा कमेंट करोगे सर ये तो मेरा पूरा कंप्लीट, माइनस 10 ऐसे रहेगा, अभी क्या हो जाएगा प्लस माइनस भी ऐसे रहेगा। अब ये 92 कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसको तोड़ देते हैं। अब इसको अगर आप तोड़ दोगे सिंपल सा तो आपको क्या समझ में आएगा, ये 92 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 × 23 अपॉन, उसके बाद क्या आ जाएगा नीचे वाला 2 × 2। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस 10 प्लस माइनस इस 4 को बाहर लोगे तो 2√23 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों 2। इतना होने के बाद अब क्या कर सकते हैं सर, तो देखो ए सेपरेट है, ए सेपरेट दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन क्या है दोस्तों, आप देखोगे 2, अगर मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट में 23 अपॉन 2। ए 2 से कट गया तो आपको बच्चा क्या इतना बच गया, तो क्या यही है, नहीं सर एक और है, इधर ध्यान से देखना आपको फाइनल सब समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे x इक्वल टू क्या बचा माइनस 5 प्लस माइनस कितना रूट में 23, इतना ही आंसर हो गया, नहीं लास्ट आंसर लिख देता हूँ मैं फटाक से, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो x इक्वल टू माइनस 5 एक बार प्लस में आ जाएगा दोस्तों √23 और दूसरा रियक्स इक्वल टू माइनस 5 माइनस रूट में 23। दोस्तों आपका दोनों क्वेश्चन मैं क्या किया कंप्लीट करा दिया, दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों होमवर्क के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, एंड आपके टेक्स्ट बुक में भी बाकी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके प्रीलिम में भी काफ़ी बार पूछा गया रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम रुके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों, एंड आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करोगे 100% HT Tech उस पर वीडियो बनाकर देगा।